हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल आर के न्यूज़ अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नौकरियों से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी पाने के लिए अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मनोहर लाल खट्टर जी ने आज 12 जनवरी को यह पोर्टल शुरू कर दिया है। अब इस पोर्टल पर आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके अंदर सबसे ज़रूरी फैमिली आईडी होगी आपकी। तो दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर क्या कुछ होगा दोस्तों, इसके बारे में आपको बताते हैं। आप अच्छे से सुन सकते हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी ने बयान दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है और अब ये 3 महीने तक, यानी 31 मार्च, 3 महीने माने 12 दिन कम हो गए, इसमें 31 मार्च तक 2021 तक ये पोर्टल खुला रहेगा और सब लोग, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। और जो कम क्वालिफिकेशन वाला है वो तो केवल डी में ही अपने परीक्षा दे पाएगा, लेकिन इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले, यानी +2 और इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले, चाहे तो वो डी में भी परीक्षा दे सकते हैं, चाहे तो सी में भी दे सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये दोनों का अलग अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। डी में तो जो भी उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इंक्लूडिंग सोशल इकोनॉमिक मार्क्स मिला करके, उस मेरिट के आधार के ऊपर ही जो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी। हाँ, उसमें जो विशेष उनकी उपलब्धि चाहिए, जिनके लिए जैसा विशेष उनका अनुभव या तकनीकी अनुभव, इसके अलग से जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, उन सर्टिफिकेट के लोगों को ही अपनी मेरिट के हिसाब से वहां नौकरी मिलती जाएगी। अलग से दूसरा टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ग्रुप सी में डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट होंगी, उस पोस्ट के हिसाब से उसका एक टेस्ट दोबारा होगा। और वो जैसे बताया कि अगर 30 पोस्टें हैं अप टू 30 तो 5 टाइम्स, 30 से 50 तक 150 फिक्स होंगे और 50 से ऊपर 3 टाइम्स, ताकि फिर वो 50 से ऊपर 3 टाइम 150 से ऊपर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 स्लैब्स उसके बनाए गए हैं और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक सुविधा ये युवकों को, क्योंकि एक ही युवक बार 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 टेस्ट भरता है, बार बार टेस्ट के लिए फार्म भरता है और उसको बार बार फीस देनी पड़ती है, उसकी बजाय वो 3 साल के लिए एक बार ही अपनी पात्रता, एक पात्रता टेस्ट के लिए ही फीस होगी। अगर वो दूसरी बार उसको इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको फीस वो दोबारा देनी होगी, क्योंकि मुख्य जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये फीस उसकी है, बाकी जितने भी आगे टेस्ट होंगे ग्रुप सी के उसमें कोई भी फीस नहीं होगी। इसलिए, और जब भी वो आखिरी फीस जमा कराएगा उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेगी, उस 3 साल से, मानो पहले साल कराता है 3 साल तक, और हो सकता है वो दूसरे साल फिर जमा करा के अपना टेस्ट देना चाहता है तो फिर 4थे साल तक रहेगी। इसलिए ये एक 3 साल की उसकी एलिजिबिलिटी हर टेस्ट की ये रहा करेगी। मित्रों, जैसे आप देखते हैं पहले हमारे, हाँ जी, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 साल के लिए वैलिड होगा, अगर 3 साल में आगे नहीं देता तो वहां तक रहेगी। लेकिन इम्प्रूव करने के लिए अगर मानो उस अगले एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फिर वो देना चाहता है तो फिर से उसको फीस देनी होगी, तो वो टेस्ट की उसकी भी फिर 3 साल वैलिड हो जाएगी। नहीं, वो तीन साल तक अलग अलग विभागों में भी टेस्ट देते रह सकते हैं, वो अगली बार फिर पोस्ट निकले फिर दे सकता है, इम्प्रूव करना तो बीच में इम्प्रूव कर सकता है। अगर 3 साल तक उसने इम्प्रूव भी नहीं किया, उसको उसके आधार पर कोई नौकरी भी नहीं मिली, तो वो 3 साल के बाद उसका ये पीरियड समाप्त हो जाएगा, अगले 3 साल के लिए फिर आना चाहता तो फिर आ सकता है। सामान्यतः होगा ये कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट में हायर मार्क्स के जितने भी बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वही नौकरी के लिए बार बार प्रयत्न करेंगे, बहुत नीचे जो रह जाएंगे वो या तो इम्प्रूव करेंगे या छोड़ के अपना काम करेंगे, क्योंकि इसमें हर एक बार के लिए उनको अलग अलग लालसा तंग नहीं करेगी। क्योंकि अभी तो क्या होता, एक मान लो 5,000 पोस्ट हैं, उन 5,000 पोस्ट के लिए भी 10 लाख लोग आते हैं, 500 पोस्ट होती है उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं, अगले किसी और विभाग के 2,000 आ जाते हैं उसके लिए 10 लाख फिर आते हैं,
तो वो जो बार बार आने का क्रम या बार बार एग्जाम लेने की बात, ये परेशानी युवकों के लिए भी खत्म होगी और डिपार्टमेंट भी सुविधाजनक तरीके से अपने पूरी क्षमता से इन टेस्ट को जल्दी से जल्दी कम टाइम में करा सकते हैं। देता रहेगा वो, हाँ वो दे सकता है, वो इस आधार पर, ये रजिस्ट्रेशन तो उसका नौकरी का खत्म हो गया, वो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा के फिर कर सकता है, क्योंकि एक बार नौकरी जिसको मिलेगी वो इसमें से डिलीट हो जाएगा। या इन बिटवीन कोई आवेदन करते हैं तो उसकी तो दिक्कत रहेगी सर? जब भी कोई आवेदन करता है और उसका परिवार पहचान पत्र नहीं है तो उसी समय पहले वो पहचान पत्र बनाएगा और पहचान पत्र तुरंत बनता है। वो तो जो नहीं बनवा रहे वो पूरा करने के लिए समय लगेगा, लेकिन आवेदन करने से पहले अगला अपना परिवार पहचान पत्र कहीं भी किसी भी सेंटर पर जाके बनवा सकता है, बनवाएगा, अपना नंबर लिखेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करेगा, तो इसलिए परिवार पहचान पत्र में टाइम नहीं लगता है। हाँ, एक चीज और क्लियर करनी है कि ये परिवार पहचान पत्र हरियाणा के डोमिसाइल का ही बनता है, लेकिन डोमिसाइल पहले कभी हमारे यहां 15 साल की पीरियड था कि जो 15 साल से हरियाणा में रह रहा है उसी का डोमिसाइल बनेगा, अब उसका हमने पीरियड 5 साल कर दिया कि 5 साल से भी कोई हरियाणा में रह रहा है तो उसका भी डोमिसाइल बनेगा, 5 साल से कम अगर है तो उसको एक टेम्परेरी रेजिडेंट आईडी दी जाएगी, वो भी भर सकता है फार्म, यानी दूसरे प्रदेश का भी भरना चाहे तो भर सकता है, वो टेम्परेरी आईडी उसको ये मिलेगी, उस टेम्परेरी आईडी के आधार पर वो सारी जानकारियां उसकी ऑटोमेटिक उसके अंदर भरी जाएंगी, उसको ऐसा नहीं कि वो नहीं भर सकता, तो भर सकता है लेकिन उसको एक टेम्परेरी आईडी मिलेगी उस आधार पर भरेगा। नहीं नहीं, सभी कर पाएंगे, पीपीपी के अलावा मैंने बताया ना, अगर किसी का पीपीपी नहीं है वो टेम्परेरी लेगा, हाँ, उसी पोर्टल में भरना पड़ेगा, हमारा जो पोर्टल है पीपीपी का उसी में एक प्रावधान टेम्परेरी आईडी का है, उसके अंदर टेम्परेरी आईडी बनाएगा, अपना मूल एड्रेस जहाँ का वहाँ का लिखेगा। मैंने बताया 5 साल का रेजिडेंट जब तक नहीं होता तब तक वो टेम्परेरी पर रहेगा, 5 साल रेजिडेंस पूरा होने के बाद वो परमानेंट में आ जाएगा। पीपीपी का हमेशा, ये मैंने बताया 31 मार्च तक है, अभी 31 मार्च तक है, फिर इसको समय समय पर खोला जाएगा, जब मानो एक एग्जाम हो जाएगा तो दूसरे एग्जाम से पहले फिर खोला जाएगा, या जब भी कभी परीक्षाएं मान लो 10वीं की 12वीं की होती है फिर खोला जाएगा, अभी तो 31 मार्च तक जो पहले से 10वीं के 12वीं के लोग हैं वो आएंगे। और इसमें भारती जी एक प्रावधान हमने ये भी किया है कि जो इस बार 10वीं और 12वीं में अपियर होंगे, हाँ, वो भी इसमें कर सकते हैं, प्रोविजनल अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, 10वीं में 12वीं में पास होने के बाद वो उसमें अपना अपडेट करेंगे कि 10वीं 12वीं पास हो गए, पास नहीं हो सके तो इसमें रिजेक्ट हो जाएंगे। ये प्रक्रिया की बात होगी, लेकिन टारगेट क्या रखा है सरकार ने, जिस तरह से कोविड का समय रहा, कुछ भर्तियां बंद भी हुई, प्रक्रिया तो एक सिंपल होगी, उसके लिए टारगेट भी होगा? कोई टारगेट नहीं है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सबका टेस्ट होगा, इस टेस्ट के बाद डिपार्टमेंट अपनी आवश्यकता के हिसाब से फिर नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट करेगा, और वो जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसके बाद उनको फिर क्लिक करना होगा कि हाँ इस नौकरी के लिए, अगर तो ग्रुप डी है तो वो सिलेक्शन सीधी हो जाएगी और सीधा उनको अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा, 1 महीने का टाइम मिलेगा ज्वाइन करने का, कोई ज्वाइन करेगा ठीक है, नहीं ज्वाइन करेगा तो नेक्स्ट की बारी आएगी, और अगर ग्रुप सी है तो उसको अगला टेस्ट जो डिपार्टमेंट का देना है उसके लिए उसको टिक करना होगा कि हाँ मैं इसके लिए एग्जाम देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए नंबर जो फिक्स कर दिया है अप टू 30 to 50 150 अबव 50 अगर पोस्ट हैं तो होते 3 गुना, तो उतना जो अपर होंगे, मानो एग्जाम लेना है 200 लोगों का, टिक कर दिए 400 लोगों ने, तो मेरिट में अपर 200 होंगे, उन्हीं का एग्जाम होगा, बाकी का नहीं होगा। कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो कैसे? मैंने बताया कि इससे बड़ी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती, हर चीज पोर्टल पर है, जितने लोगों ने फार्म भरे हैं वो सबको पता रहेंगे वेबसाइट के ऊपर, जिनको सोशो इकोनॉमिक नंबर दिए गए हैं वो पहले से उसके अंदर डाल दिए जाएंगे, उसको जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी, किसी ने चैलेंज करना तो चैलेंज करेगा, ये जो 10 नंबर के मार्क्स हैं ये तुरंत जैसे रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को पूरी हो जाएगी उसके तुरंत बाद वो उनकी एप्लीकेशन के आधार पर नंबर डल जाएंगे,
तो नंबर डलने ही डलते ही जब सीईटी का टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उससे पहले किसी ने चैलेंज करना तो उसको चैलेंज कर सकता है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में इसकी पारदर्शिता है, और फिर जब एग्जाम होगा उनके सबके मार्क्स भी सबको पता होंगे कि किसकी मेरिट क्या आई है। वेबसाइट पर देखेंगे 3 times 5 times का हमने स्कोर बता दिया, सबको पता है। जिस दिन टिक करके लोगों ने भर दिया, जब डेट आएगी उस डेट के बाद भी टाइम दिया जाएगा, इतने टाइम तक आप टिक कर सकते हैं, टिक करने की डेट तक वो नंबर फिर आ जाएगा। उस नंबर में कितने लोगों का टेस्ट होगा वो पता लग जाएगा। 600 लोगों ने टेस्ट किया, 300 ने मानो 600 लोगों ने टिक किया, 300 ने यदि टेस्ट देना है तो अपर 300 कौन है सबको पता लगेगा। कहीं उसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है, हर किसी को अपने पोर्टल वेबसाइट पर ये चीजें नजर रहेंगी। तो ऐसा कि अभी इस पर काम चल रहा है, क्योंकि ये कोई भी तैयारी होगी वो कम से कम 5 महीने 6 महीने उसमें लगने हैं। आज उसकी तैयारी शुरू करेंगे, इधर से रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, तो 6 महीने का मतलब है जून से पहले तो ये नहीं होगा। तो पहला टेस्ट जून में होने के बाद तभी हम डिसाइड करेंगे कि अगला टेस्ट कब करना है, लेकिन साल में एक जरूर होगा, अगर आवश्यकता रही तो भी हो सकते हैं। अगर वो देना चाहे तो ऐसा कोई विचार कर रहे हैं कि चूंकि अभी ग्राम सचिव का पेपर हुआ है सर, 6.5 लाख के करीब अभ्यर्थी थे और इधर से उधर तो नहीं जाना पड़ा, आपने उनके लिए सुविधा कर दी, जिलों में सेंटर दे दिए, लेकिन इसके बावजूद एक दो जगह से ऐसी चर्चाएं रही सर कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आपके पास या चेयरमैन साहब के पास जानकारी होगी कि क्या वाकई में पेपर लीक था या अफवाह थी, लेकिन क्या ऑनलाइन एग्जाम भी बच्चे दे सकें, जो बच्चे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ऐसे सेंटर बना दिए जाएं? अभी ग्रुप सी और डी के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट ये ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन का विचार भी करेंगे तो हायर जो टाइप की जो नौकरियां होंगी उसके लिए करेंगे, क्योंकि 10वीं का 12वीं का ही विद्यार्थी अभी ऑनलाइन के लेवल पर नहीं आ सकता कि उनको हम ऑनलाइन लें, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही ये ठीक है कि एक केस पकड़ा गया है और उस केस में कोई एक टेक्निकल आइटम लेकर के और वह व्यक्ति अंदर गया था, उसने बहुत बारीक चिप एक उससे बरामद हुई और उस चिप के माध्यम से वो सारा सिस्टम पता लग गया है, उसमें जो लोग इसके पीछे काम कर रहे थे उनका भी पता लगा है, 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, FIR हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उससे ज़्यादा आगे कहीं बढ़ा होगा। कोशिश उनकी रही होगी कि बहुत बड़ा एक कोई स्कैंडल करने की, लेकिन टेक्निकल चीज़ों को पकड़ने के लिए भी टेक्निकल चीज़ें ही ज़रूरत है। अभी उसकी छानबीन चल रही है कि कहाँ तक क्या किसकी उसकी कोशिश की गई होगी। अब ये चूँकि बहुत पुराने ऐसे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो हर चीज़ की कहीं ना कहीं काट निकालते हैं, अब टेक्निकल लड़ाई तो टेक्निकल चीज़ों से लड़ी जाएगी, अब उसका प्रबंध कर रहे हैं हम कि कैसे उसको आगे करेंगे, लेकिन आगे ये नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं फ्लॉ ऐसा जो एकाध जगह मिला है, इसमें कहीं ना कहीं कोई शरारत जो की गई है या इस प्रकार का जो अपराध किया गया है, बहुत ही टेक्निकल आदमी ने जिसको सारी चीज़ों की जानकारी होती है उसने किया है, तो उसको एक छोटी चिप के माध्यम से और वो सारी दूर बैठा हुआ आदमी कोई उनको बता रहा था उस पकड़ा गया वो।